बीजेपी मध्य प्रदेश के हाई कमान को जैसे ही पता चला कि कांग्रेस ने विधानसभा अनूपपुर 2018 के बीजेपी प्रत्याशी रहे रामलाल रौतेल पर डोरे डालना शुरू कर दिए हैं और कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़वाने का प्रलोभन भी दे रही है, तभी से मध्य प्रदेश बीजेपी ने अनूपपुर उपचुनाव में रणनीति बनाकर 2018 विधानसभा चुनाव में रहे प्रत्याशी रामलाल रौतेल को मनाते हुए उपचुनाव का चुनाव संचालक बना दिया। अब जिसके बागी होने की संभावना हो वो खुद चुनाव का संचालक बन जाए तो इससे अच्छी चुनावी रणनीति और क्या होगी। वहीं दो विरोधी हमेशा भाजपा कांग्रेस के चुनाव में आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे पर कटाक्ष वाले अब एक मंच से ही चुनाव की हुंकार भरेंगे। अब हो गए पत्रकार खोज तो लेते हैं डोरे डाला ही बात सही है टेलीफोन के आपके वहां से अब बताई देता हूँ आपको कमलनाथ जी के खास लोगों ने मैं उन्होंने टेलीफोन किया कि आ जाइए तो मैं कहा देखो उनको मैंने कहा गिनाया था कि मैं ये था ये आप कर नहीं सकते मतलब विभिन्न पदों में विभिन्न संगठन का दायित्व ईमानदारी से गुप्ता जी साक्षी हैं मैं भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से सदस्यता ग्रहण किया उस दिन से आज तक शुक्ला जी पद भी नहीं रहा चुनवा आज तक अभी तक विभिन्न दायित्वों में विभिन्न संगठनों में कहीं ना कहीं अब पंच से लेकर विधायक तक की मेरी पैरवी की और बड़ा स्नेह भाजपा ने दिया मुझे आज भी दे रही है। हम दोनों गए थे हमने कहा था गलतफहमी कार्यकर्ता न रहे मैं और हम दोनों मुख्यमंत्री पास गए मुख्यमंत्री जी बहुत प्रसन्न हुए कि नहीं बहुत प्रसन्न कहा वाह मजा आ गया दोनों आ गए अच्छा सीएम ने कहा हम दोनों गए हम कहे चलो भाई हम कहे गलतफहमी आप लोग पैदा मत करो हम दोनों एक है एक साथ एक मिल के लड़ेंगे हम।